बात करते हैं जोधपुर से। खबर है राजस्थान हाईकोर्ट का प्लेटिनम जुबली समारोह है आज और स्थापना की चूंकि 75 साल पूरे हो गए हैं ऐसे में जश्न तो बनता है। प्लेटिनम जुबली समारोह रखा गया है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर परिसर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बतौर चीफ गेस्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। इनके अतिरिक्त सीएम भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जे के माहेश्वरी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस ए जी मसीह है, साथ ही जस्टिस संदीप मेहता भी मौजूद होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव सहित राजस्थान हाईकोर्ट के सभी जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस सहित बड़ी तादाद में प्रदेश भर के एडवोकेट इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। चलिए हमारे साथ सहयोगी शिवप्रकाश जुड़ गए हैं। शिवप्रकाश, सुबह से तैयारियों की तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं लेकिन अब वो घड़ी नजदीक है, 75 साल स्थापना के पूरे हो गए हैं। शानदार प्लेटिनम जुबली समारोह, सभी की निगाह इस समय जोधपुर पर। शिवप्रकाश, किस तरह की जानकारी? और जी, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे साल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और प्लेटिनम जुबली महोत्सव मनाया जा रहा था। आज उस कार्यक्रम का समापन है। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वहीं सभी राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में जो न्यायाधिपति हैं, साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधिपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशगण सभी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जोधपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वे सीधे राजस्थान हाईकोर्ट जाएंगे जहाँ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। बिल्कुल शिवप्रकाश, वो तस्वीरें भी आपके जरिए दिखाएंगे लेकिन शिवप्रकाश, क्योंकि तैयारियों का जिक्र हम कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई है, पूरा जोधपुर शहर आज अलग अलग कार्यक्रमों, क्योंकि सुबह में सीएम पहुंचे ट्रेन के जरिए, उसके बाद भी राज्यपाल पहुंचे, अब से कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, तो सुरक्षा इंतजामों को लेकर क्या अपडेट है शिवप्रकाश, क्या बदलाव किए गए हैं चौराहों पर भी, रूट्स पर भी? जी, निश्चित रूप से सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो आज काफी वीआईपी मूवमेंट जोधपुर में है। सुबह से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर दौरे पर हैं जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत उन्होंने की है। कुछ देर बाद वह भी एयरपोर्ट के जो है वहां पहुंचेंगे जहां प्रधानमंत्री की वो अगुवाई करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से सारे जो रास्ते हैं वहां बैरिकेटिंग लगा करके उनको बंद किया गया है और जहां वीआईपी विजिट रहेगी उस पूरे रास्ते को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। वहां उस किसी भी वाहन को आने जाने नहीं दिया जा रहा है और जो कार्यक्रम स्थल है वहां प्रवेश करने वालों की पूर्ण सुरक्षा जांच के बाद ही उन्हें कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल शिवप्रकाश, वो तस्वीरें दिखाएंगे आपके जरिए लेकिन 10 महीने में दूसरा दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, लिहाजा इस चीज को लेकर भी उत्सुकता होगी उन्हें सुनने को लेकर। जब जब वो राजस्थान पहुंचते हैं राजस्थान के अंदाज में बिल्कुल राजस्थानी की भांति ही बात करते हैं आज भी, क्योंकि आज का विषय दूसरा है। आज के कार्यक्रम में एक नया रूप भी नजर आ सकता है क्योंकि बात यहाँ पर कार्यप्रणाली की, न्यायपालिका की होगी, बात यहाँ पर न्याय की होगी। निश्चित रूप से, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह अभी तक के जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहे हैं उससे थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट के स्थापना का प्रतिनिधित्व में सभी न्यायाधिपति हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। जुडिशरी पूरी होगी, निश्चित रूप से इस विषय पर जरूर यहाँ चर्चा होगी कि किस तरह से आम आदमी है उसको त्वरित न्याय दिया जाए, सुलभ न्याय मिले, न्याय प्रणाली में क्या क्या सुधार हो सकता है इस पर चर्चा होगी। तो अन्य जो दौरे रहे अभी तक वो है राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े हुए रहे हैं, जो चुनाव है उसमें दौरे रहे, लेकिन पहली बार कमलकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलकांत, आपके पास क्या जानकारी इस कार्यक्रम की? जी बिल्कुल जयती, बताना चाहूंगा कि राजस्थान हाईकोर्ट को 75 साल पूरे हो गए हैं। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और करीब एक साल से राजस्थान हाईकोर्ट अपना प्लेटिनम जुबली वर्ष मना रहा है, जिसकी शुरुआत जयपुर से की थी कार्यक्रम से, जिसमें भी सीजीआई ने शुरुआत की थी और आज जो फाइनल प्रोग्राम है वो जोधपुर में मनाया जा रहा है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं जी। और सीजीआई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहाँ कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के करीब 5 से 6 जज वहाँ पहुंचे हैं, जस्टिस वहाँ पहुंचे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे सहित सभी जस्टिस वहाँ मौजूद हैं और रिटायर्ड जस्टिस
वो भी वहाँ पहुंचे हैं, जैसे और गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे विजय विश्नोई जी वहाँ पहुंचे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजे अरुण भंसाली जी वहाँ पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी वहाँ पहुंचे हैं, और करीब जयपुर से 300 से अधिक वकील वहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल कमलकांत, लेकिन आज इस कार्यक्रम के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राजस्थान हाईकोर्ट का म्यूजियम है उसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। म्यूजियम में आप किस तरह से इस कार्यक्रम की अगर मिनट टू मिनट जानकारी दें, सबसे पहले क्या वो उद्घाटन करेंगे या फिर मुख्य कार्यक्रम पर पहुंचेंगे और उद्घाटन का कार्यक्रम बाद में होगा? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि शाम को 4:30 बजे मंच पर सभी गणमान्य वहां मौजूद रहेंगे, उनका सम्मान किया जाएगा। उसके बाद 4:35 पर प्रधानमंत्री द्वारा वहाँ जो म्यूजियम है उसका उद्घाटन किया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्लेटिनम जुबली स्मारिका का भी उसके बाद उद्घाटन किया जाएगा, और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं इसके बाद वो विशेष आवरण टिकट का वो विमोचन करेंगे। इसके बाद में जो सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ वो डिजिटल पहल का शुभारंभ करेंगे, और 4:40 बजे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस MM श्रीवास्तव उनका स्वागत उद्बोधन होगा। 4:45 पर अतिथियों का जो सम्मानित अतिथि हैं उनके द्वारा विशेष संबोधन किया जाएगा। 5 बजे भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ वो संबोधित करेंगे, और 5:15 पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उनका संबोधन होगा। उनके बाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, उसके बाद में राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम का समापन होगा। जी बिल्कुल कमलकांत की मिनट टू मिनट जानकारी, और क्योंकि आज संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे और खासतौर पर इस तरह की न्यायिक पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री हमेशा अग्रसर होते हैं। आप नजर बनाए रखिए, शुक्रिया फिलहाल अपडेट के लिए।